नवाब साहब साहब देखिए दरवाजे पे कौन है बाहर। मैं देखता हूँ भैया जी। नो 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 नवाब वेट। ओह सैंडी आई थिंक ये ना डैडी जी आए ने। ओ एक्चुअली ग्रैंड मॉम ने डैडी जी नु कॉल करके सब कुछ दसता सी। सो मे बी ही हैज कम हियर। हाय मैं मर जा मेरे एक फोन करन ते फौजी भज्जे आया ओ भी हनीमून छड़ के। बीजी कहंदे ने की साली दा नाम सुन के ना भालू बिना पुठियां छलांगा मारन लग जांदा। कोई तो फेर भी तो दे जीजा जी ने। चल चुप कर। सशिकार भाई साहब। फौजी साहब सशिकार। सशिकार डैडी जी। हाँ जी सशिकार सशिकार जी सारे नु सशिकार। देख सैंडी पुत्र मैं काली काली चाय पर एक बारी चेरी मेरे हाथ से जाजे तुनु मैं दस्तू फिर पिंड वाले ठगी दा की में है। हाँ बिल्कुल फौजी साहब सही बोले है आपने। सैंडी पुत्र आ कौन है पहले इन्हू मैं कदे पिंड च नहीं वेख्या। नहीं नहीं भाई साहब बुजुर्ग है ये एक्चुअली ना इन्होंने सट लग गई सी ते असी सोचा कि इन्हों घर ले आने मरम पट्टी करा के ते फिर जो ठीक हो जाएंगे तो वापस भेज देंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 पुत्र हूं मैं चलता चल चलते। ये आवाज कुछ जानी पहचानी जी लग रही है पर बंदा पहली बारी वेखे पिंड च मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सैंडी पुत्र कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं फौजी साहब ये तो बुजुर्ग है वो तुम दसिया सी ना इन्होंने तो सगो साड़ी चेरी नु लभन च मदद कीती है बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प कीती है बड़े चंगे इंसान है जी ये ता। चेरी हां जी आओ देख दे की हो चेरी तो तेरे भज गया। हां फड़ा फड़ा इन फड़ा इत्थे पहुंचण दे। ऐसे कैसे भज लोगे बेटे प्रसाद तो लेके जाना पड़ेगा। एमली मम्मी दादी जी आओ तैये नु दखू दाना बहुत भगाई कराती पुत साडी हुण नहीं बचदा तू। एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। देख पुत्रा सारे पेपर मेरे हवाले कर दे नहीं तो मैं तेनू इहनां दे हवाले कर दूं फिर कुट कुट के तेरा की बनाऊंगे ना शायद तेनू भी नहीं पता लगना। दे दे जी अंकल जी फाइल सारे कागज है। सैंडी भैया जी लगाओ बलवंत को फोन कराइए इनका चाह पानी। मैं करदा फोन कॉल है। हां हेलो बलवंत जी। हां जी सैंडी बोल रहा आप फड़ लिया बनु चेरी नु आ जाओ तुसी जब तक बलवंत आंदी है आप कर देना सेवा पानी। शुक्र है रब्बा बाल बाल बचा ले तू। आखरी बार देख ले मैं कर ले लांगा तेरा। पता ही नहीं जट नया पर इंच ना छड़ी मैला वर्गा घर किवें छड़ दिए बैठा ना हुण जेल चक्की पीसदा। हाँ हाँ सैंडी पुत तू ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भौजी साहब सैंडी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सानू ते चेरी कमीने की पहचान ही नहीं आई कंजरा का ना पूरा भेष बदला ही फिरता था। यस डैडी जी सैंडी इज एब्सोल्युटली राइट जे तुसी इत्थे ना आंदे ना तो साडे लई बहुत वड्डी प्रॉब्लम क्रिएट हो जांदी। आफ्टर ऑल डैडी जी किस दे ने तुसी इत्थे आ गए ताही असी इस ट्रबल तो वापस बाहर आ सके। थैंक यू सो मच डैडी जी। वाहिगुरु दा ना लख लख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया पर पापा जी हुण मैं नहीं चाहुंदी कि तुहाडे ना पहले करवा चौथ ते कोई गड़बड़ हो जाए तुसी काम करो छेती छेती ना बीजी कोल चले जाओ।
हाँ फौजी साहब करवा चौथ ते दादी थोड़ा वेट कर रहे होने ना थोड़ा तो जरा तुसी काम करना आए थे तो हो गया ना तो हम दादी को वापस जाना चाहिए हुन फौजी साहब क्या हुआ करवा चौथ का नाम सुनते ही हिचकियां ला गई हैं जी क्या बात है कौन याद कर रहा है जी बेटा जानिया तू जा देखो टीचरों करनिया शुरू कर देना है ना बीजी नहीं याद करना है ना होर की नहीं याद करना है ना नू अब आलो पापा जी पानी लो तुसी हाँ हाँ डैडी जी प्लीज वाटर पी लो हिचकी ठीक हो जाएगी थोड़ी बीबी जी चेरी भी याद कर सकता है वो भी फौजी साहब का रिश्तेदार है जी हेलो गुलाब कुछ बोलता सही ले तू चुप क्यों है लगता है मेरी जान मेरे को रुची भी है जाओ जाओ फौजी साहब मैं नहीं तुहाडे नाल गल करदी हां और तुसी मैनूं इत्थे कल्ली नूं छड्ड के चल गए हो जाओ जाओ हां ओ मेरी गुलाबो तू गल तां सुन मेरी पहला है ना हैं देख तू ऐवें ना रुसिया कर मेरी गल तैनूं पता है तू रुसी हुई पूरा सोहनी नहीं लगदी मैं तैनूं मैसेज तां कीता सी हुण तू ब्यूटी पार्लर गई हुई सी दस मैं की करदा इत्थे सैंडी पुत्र नूं मेरी लोड़ पैगी ते मैं ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈਗਾ ਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਈ ਮੈਂ 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 ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਡੀ ਬੇਬੀ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬੇਬੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਵੈਲਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵਾਓ ਸੈਂਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਏਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਲਾਏਗੀ ਤੂੰ ਵਾਟ ਮੈਂ ਯੂ ਸੈਂਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣਾ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਏ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਡਨ ਲੋ ਓਹੋ ਮਮਸ ਕਾਲ ਆਈਲ ਕਾਲ ਹਰ ਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਓ ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਹੈਲੋ ਮਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇ ਮੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਮ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਮ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਣੀ ਪਾਗਲ ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਮਮ wait I'll explain you everything actually I'm a little busy oh sandy he's putting mehndi on my hands for karwa chauth what is it I'll explain you later yes mom I really miss you so much canada and my family don't worry we'll come back soon okay mom love you take care bye ki kehde ji mata ji mata ji my mom mom was saying that she's missing me and she wants me to come back soon bas ohi kehnde si sani what I was thinking and now everything is sorted out now we can go back to canada right sandy hun ta sanu jana chahida it's been so long so after this karwa chauth ends we are going back to canada and that's for sure wow sani I'm so happy and excited ਮੈਂ
गुलाब कौर मेरा फोन ही नहीं चकती पी, लगता बाली नाराज है मेरे को। मैं तो ये नहीं समझ आती कि हर बार मैं ही क्यों मुसीबत च फसद। ठीक है, इनू मैसेज ही करिए। मेरी गुलाब कौर, मैं तेरे को माफी मंगदा, मैं पक्का वादा करदा कल पक्का तेरे को पहुंच जावांगा, पक्का बिल्कुल। हाँ, वो मेरी गल सुन रही है, वो किसी गल का जवाब दे यार। ओ फौजी साहब, क्यों चीखा मारी जा रहे हो और मैनू सौ जान दियो? ओ यार, तेरी बीजी किसी फोन का जवाब ही नहीं दे रही। ओ दादी जी, ओ फौजी साहब का फोन चक लो, और ना इन्हों ने आप सोना है ना मैनू सौन देना है, ये अपना टाइम तो खराब कर ही रहे हैं, मेरा टाइम भी चक रहे हैं। ओए फौजी साहब, मैं सुबह ना जल्दी उठना है, कल सरगी है, जे मैं ना उठा ना ये सिटर जी ते बीबी ने मेरा टायर बना देना है, मैं क्या करूं, सो जान दियो मैनू। ठीक है सो जा, हैं मरी जाना जब ये बैठा, और तेनू की पता मेरे दिल ते की गुजर रही है, हैं लग गया रे जबलिया मार। हां नीचे जाके गल करते ने। हां मैनू कानू पता किसी के दिल की गल, कैसा प्रौना है यार, भी तुसी चीखा मारी जा रहे हो, बंदे नू अटैक टूक आ जे, सुते पे बंदा ठाता सोण भी नहीं देता इस टब्बर में। दिने भी गधा मजदूरी कराते हैं, रात को सोने नहीं देते, भी बंदा चैन ना सो जाए दो कड़ियां। निर्मल कौर, देख ले निर्मल, तेरे बीजी खाम खा मेरे नाल ना नाराज भी बैठे हैं। भला त्योहार वाले दिन कोई किसी नाल नाराज होंदा है? पर इन्हू कौन समझावे कमली नू कि मैं किन्ना प्यार करदा इसनू। तू मैनू दस नहीं सकती कि मैं तेरी बीजी नू किस तरह मनावा, नाले तेन तो पता है ना कि जो तो भी तू गुलाब कौर नाराज हो जाए ना, मेरी तो सारी दुनिया वीरान हो जाती है पुत मेरी। तू मेरे किसी गल का हाँ ना का जवाब क्यों नहीं दे रही? कि तेरी गुलाब कौर की तरह किसी गल से मेरे नाल नाराज तो नहीं? नहीं, नाराज नहीं है, ये असल च ना मेरी पूरी गल ध्यान नाल सुन ली है, ताही तो विच बोल दी नहीं। हुण कौन समझाए गुलाब कौर नूं कि मैनूं इन्ना प्यार करदा है, इन्ना प्यार करदा है कि कर की रही है, भांडे जी क्यों चुकी जाती है? निर्मल पुत्र देख ले, अद्धी रात होगी मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा पर वो है कि मानती नहीं हैगी। तू मेरी गल सुन रही है ना पुत्र? मेरी गल का जवाब सुन रही है पुत्र? निर्मल पुत्र मेरी गल तो सुन पुत्र, निर्मल पुत्र मेरी। ओए फौजी साहब किथे फस गए मम्मी जी दे चक्करां च? निर्मल पुत्र मेरी गल के, ओ सैंडी तू इधर आ, इधर आ दे, तेरी मां नूं की हो गया? ओ फौजी साहब, ये केड़े चक्करां च फस गए तुसी? ओए तो मम्मी जी नूं नींद च चलन दी आदत है। मैनूं क्यों नहीं पता लग्या कि इन्हू नींद चलन की बीमारी है? पर सैंडी पुत, इन्हें महसूस भी नहीं होन दिता कि इन्हू नींद चलन की बीमारी है, ताइयों तो मैं घबरा गया सी, फिक्रमंद हो गया सी। फौजी साहब साडे लई तां आम गल है, तुहाडे लई नवीं गल है, इह तां फिल्म असीं रोज देखदे रहिंदे आ, तुसीं टेंशन ना लो, अंदर जाके सो जाओ, सवेर तक सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब आराम नाल देखे तुसीं भी? नहीं नहीं, ठीक है, मैं ठीक है, देख के आराम नाल। हाँ ठीक है। मम्मी जी मेरी गल तो सुनो, मेरी गल तो सुनो यार, सुन दे क्यों नहीं? मम्मी जी उठो यार, मम्मी जी अमली बाहर कनाडा वापस जा रही है, वो मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मम्मी जी की करिए दसो, मम्मी जी तुहानू ही पता हूं की करना है, वो दसो मम्मी जी।
कुछ नहीं इमली जी, और जैक्सन ना बहुत उदास है, ओदे करके मेरा मन खराब हो जांदा। ओ ता एना उदास ते शर्मिंदा कि अपने कमरे च बैठा, एथों की मम्मी मेरा मतलब डैडी जी भी करे नहीं हैगे, हुण मैनू समझ ही नहीं आ रहा मैं कल्ली की करा। नवाब साहब, साहब दा लगदा तू ना छेती छेती दे, चल देता हूं बीबी जी। इमली पुत्र ये लो बिंदर पर जाई। ते बिंदर पुत्र आ सूरज चढ़न तो पहला पहला ना आ तुसी अपनी सरगी खा लो। आंटी जी जे बीजी इत्थे हुंदे ता किन्ना वधिया हुंदा, उन्हां दा व्याह तो बाद पहला करवा चौथ है, फिर असीं सारे जने इकट्ठे रख दे। ओ लियाओ भी लियाओ, ओ सानू भी दियो। हां डैडी जी तुसी इत्थे की करदे हो, कि तुसी भी पास रखे है? हाँ हाँ इमली पुत्र जी, मैं भी वर्त रखिया हुआ है। देखो भी मेनू पूरा चंगा नहीं लगता कि कल्ली कारी जनानी हुई सारा दिन भुखी पानी रहे, भी आदमी भी तो रहना चाहिए, उन्हें भी वर्त रखना चाहिए। हूँ देखो अपने आदमी की उम्र बधाने लई जनानी करवा चौथ का वर्त रखती है, तो फिर आदमी भी तो अपनी जनानी की उम्र बधाने लई करवा चौथ का वर्त रखना चाहिए, क्यों ठीक है ना? मैं कनेडा नहीं जाना। मैं उठे जाके काम करना पड़ेगा। नहीं मैं बिल्कुल कनेडा नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं भैया जी? नहीं मैं कनेडा नहीं जाना, ना मैं इमली नूं जान देना। ओए ओए सैंडी भैया जी, ओ सैंडी भैया जी, ओ कुंभकर्ण की औलाद देखो कैसे पड़े हैं घोड़े बेच के। ओ सैंडी भैया जी ओए उठ जाओ, ओ सैंडी भैया जी कंजरा के ना। ओ सैंडी भैया जी बाहर ना सभी ने वर्त रख ले हैं, फौजी साहब ने दादी जी के लिए वर्त रखा है, है? तो तुहाड़ी बहुत इंसल्ट हो जाएगी सेठ जी के सामने, जे तुहाड़े तो पहले ना फौजी साहब ने वर्त रख लिया तुसी ते मुंह दिखाने जोगे नहीं रहना है। चलो हुण बाहर चलते हैं, देखो मुंह काला हो जाएगा तुहाड़ा, फिर करी जाओ बाद च। जाई 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 उठो नवाब मैनू जज ना जोन ही नहीं दिंदा, पता नहीं साला सुपने जिगी तो आई यार। ओ दुर फटे मु, ओ मैं जीता जागदा सामने बैठा हूं तोहाडे, 6 फुट का बंदा नहीं दिखदा तोनू, सपने में कहते हैं, ओ रियल में हूं मैं। ओ भैया जी उर, ओ भैया जी ओए इधर देखो नवाब साहब, हुन क्यों कबूतर जो अखाइयां करते हो? सवेरे सवेरे गंदे जी शक्ल फिर देखनी पई।
लो जी खाओ। आ की सरगी, आपने व्रत रखा है ना, तो पहले सरगी खा लो। हाँ व्रत रखे, मैं व्रत रखे। सैंडी बेबी व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुसी भी फास्ट रखे है? लो खाओ भैया जी, लो अपने हाथ से खा देता हूँ, लो खाओ, लो लो अपने आप खा लो, अपने आप, कोई बात नहीं है। ओहो सैंडी बेबी, और नहीं खाओ जिन्नी नीड है, ऐसा ना हो ओवर ईटिंग हो जाऊं। चलो चलो हुन ना चुल्ही कर लो फटाफट, तो सूरज चढ़न वाला है। यार मैं तो समझ नहीं आ रही, मैं करा तो करा कि चान नहीं निकल रहा, हाय मेरा चान चढ़ जाना कितने, रात क्यों नहीं हो रही यार, हाय भूख दे नाल ता ढिड दे विच चूहे भी मर जाएंगे, हाय भूख बाली लगी हुई है यार। ठंडी भैया जी, मैंने ना आपसे कुछ पूछना है। पोंक प्यार से बात करो ना। चल बोल। संडी भैया जी, मुझे ये बताओ कि आप कनाडा क्यों नहीं जाना चाहते?